श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने खेली 175 रनों की तूफानी पारी। देख महेंद्र सिंह धोनी ने दिया रविंद्र जडेजा को लेकर बड़ा बयान और कह दी दिल छूने वाली बात। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रविंद्र जडेजा के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। बात तो श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसका पहला मुकाबला मोहाली में खेला जा रहा है और इस मुकाबले का आगाज 4 मार्च से हो चुका है और कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं पहले दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 357 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और ऐसे में आज पहले टेस्ट के दूसरे दिन की शुरुआत रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने करी थी। टीम के ऑलराउंडर जडेजा शानदार शतक लगाते हुए 175 रन पर नाबाद पवेलियन लौटे। वहीं श्रीलंका की ओर से गेंदबाज तुरंगा लकमल ने 2 विकेट झटके। दोस्तों दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए जडेजा 45 और अश्विन 10 क्रीज पर मौजूद थे। इस दौरान 7वें विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच 138 गेंदों में 100 रनों की साझेदारी हुई। वहीं दोस्तों अश्विन ने अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 82 गेंदों में 8 चौके के साथ 61 रनों की पारी खेली और गेंदबाज लकमल के ओवर में आउट हो गए। वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा की बेहतरीन बल्लेबाजी देख धोनी ने बड़ा बयान दिया। आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या है वो बड़ा बयान। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, रविंद्र जडेजा भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक है। पिछले 1-2 साल से जडेजा ने जो प्रदर्शन किया है वह उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाता है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि जडेजा की शानदार फॉर्म निश्चित रूप से चेन्नई सुपर किंग के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग की तरफ से सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। रविंद्र जडेजा ने शानदार फॉर्म भारत टीम की और फिर चेन्नई सुपर किंग के लिए भी एक अच्छी खबर है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम ने 129.2 ओवर में 574 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना है और अब ऐसे में श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी कर रही है और श्रीलंका की टीम ने 17 ओवर में 45 रन बिना विकेट गवाए खेल रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यह मुकाबला कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए